हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस चैनल पर ये फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो है और इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन पिक किया है वो सभी इंस्टाग्राम से पिक किया है, क्योंकि सैटरडे को मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आपने जितना भी क्वेश्चन किया है उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही में इस चैनल पर ये फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो है, तो अगर क्यू एन ए वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही में इंस्टाग्राम पर आपका जितना भी रिस्पॉन्स आया है तो इसमें ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन है वो या तो आपका एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड है, या फिर प्रमोशन से रिलेटेड है, और इसके अलावा असाइनमेंट से रिलेटेड है और असाइनमेंट के स्टेटस से रिलेटेड है। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर जो मैं आपके क्वेश्चन पढ़ूंगा तो इंस्टाग्राम पर आपका होता है यूजर नेम, वहां पर नाम नहीं दिखता है, तो अगर मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ तो इससे आप बुरा मत मानना। तो सबसे पहले जो आपका ज्यादातर क्वेश्चन आया है वो आया है एग्जाम और प्रमोशन से रिलेटेड, तो पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो रवि शर्मा जी पूछते हैं कि भाई, जिनका एडमिशन 2020 बीए में हुआ था उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा, प्लीज रिप्लाई। तो एग्जाम से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है पहले मैं वो पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद जो प्रमोशन से रिलेटेड है वो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सभी का आंसर एक बार में ही बता देता हूँ ताकि जो आपका डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो ऐसे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इनका कहना है कि जुलाई 2021 वाला एग्जाम दिसंबर में होगा या फिर नहीं, और साथ ही में इनका कहना है कि जुलाई 2020 फर्स्ट ईयर एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को इग्नू भूल गया है क्या, तो ऐसा नहीं है, इग्नू किसी को भी नहीं भूला है, इग्नू को सब कुछ अच्छे से याद है। और इनका कहना है कि क्या दिसंबर में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, प्रमोशन का कोई चांस है। इनका कहना है कि फर्स्ट ईयर का क्या हुआ सर, प्रमोट होंगे या पेपर, और साथ ही में इनका भी प्रमोशन से रिलेटेड, यानी कि ज्यादातर जो आपका सवाल आया है वो प्रमोशन या फिर एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिए, प्रमोशन और एग्जाम के रिगार्डिंग मैंने अलग अलग रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर लिया है और अलग अलग कोऑर्डिनेटर से भी बात कर लिया है, और उनके तरफ से जो भी रिस्पांस आया है उनमें आपको घुमा फिरा के एक ही चीज बताया गया है कि अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है हेडक्वार्टर से, जब नया अपडेट आएगा तो आपको इग्नू के वेबसाइट पर हम सूचित कर देंगे, यानी कि इग्नू के वेबसाइट पर आपको बता देंगे। और जो रिस्पॉन्स आया है उसमें आपको एक ही चीज बताया जाता है, घुमा फिरा के आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि जो भी अभी तक नया अपडेट है वो इसमें बताया गया है। तो इसमें आपको क्या चीज बताया गया है इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। तो पहले हम जो भी जुलाई 2020 के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के उनकी बात कर लेते हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको ये बताया गया है कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का और जिनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उनका, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपको एग्जाम के बारे में बताया जाएगा। अब इसमें आपको एग्जाम के बारे में भी बताया जा सकता है या फिर प्रमोशन के बारे में भी बताया जा सकता है। अब प्रमोशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी जुलाई 2020 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और जिनका भी जनवरी 2021 का एडमिशन है या फिर री रजिस्ट्रेशन है, जिनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर चांस है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर बाई चांस अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है तो जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर 2021 सेशन में लिया जाएगा, पर चांस तो यही है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है। और इसके अलावा और भी जितने स्टूडेंट है जिनके प्रमोशन का कोई चांस नहीं है, बाकी सभी स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2021 सेशन में लिया जाएगा। और यहाँ पर आपका ये भी सवाल है कि जो दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम है वो कब होगा, तो देखिए अभी के सिचुएशन को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जो आपके दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम है वो दिसंबर में होगा। जो आपके दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम है वो अभी के सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो जनवरी या फिर फरवरी में लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपका एग्जाम फॉर्म वगैरह भी नहीं आया है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इनका कहना है कि दिसंबर बीए के एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, तो देखिए बीए का नहीं, मैं आपको सबका ही बताता हूँ। तो देखिए, जो अगर आपका ओडीएल वाला प्रोग्राम है यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाला, तो इसका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होते हैं, पेपर पेन मोड में। और जो आपका ऑनलाइन वाला प्रोग्राम है, ऑनलाइन मोड में आपको इग्नू की तरफ से टोटल 18 ही प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं, तो जो ऑनलाइन वाला प्रोग्राम है उसका एग्जाम ऑनलाइन होता है और बाकी सभी का एग्जाम यानी कि जो ओडीएल प्रोग्राम है उन सभी का एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और इनका कहना है कि एग्जाम फॉर्म कब निकलेंगे, तो देखिए इसके बारे में आपको बताया था कि जो एग्जाम फॉर्म है वो अक्टूबर के एंड तक आएगा, पर अभी सिचुएशन चेंज हो गया है, इग्नू की तरफ से जो एडमिशन का लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो आपके जुलाई 2021 सेशन का एडमिशन का लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर कर दिया गया है, तो सिचुएशन अभी यहाँ पर ऐसा हो गया है कि जो आपका एग्जाम फॉर्म है उसको आने में और टाइम लगेगा। जो आपके
दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए जो एग्जाम फॉरम है वो अब अगले महीने ही आ पाएगा। इस महीने आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, वो अगले महीने ही रिलीज किया जा सकता है। जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। और इनका कहना है कि सर आई हैव नॉट सबमिटेड एग्जाम फीस फॉर जून एग्जाम विच वेयर पोस्टपोन्ड टू दिसंबर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने जून 2021 एग्जाम के लिए एग्जाम फीस सबमिट नहीं किया है तो जो दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम फॉर्म आएगा तो आप एग्जाम फीस तब भी सबमिट कर सकते हैं और दिसंबर 2021 सेशन में जो एग्जाम होगा उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। और अब बात करते हैं कि असाइनमेंट से रिलेटेड आपका क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन आया है कि जो असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए, इसको और एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं, ऐसा सवाल जो आपका बहुत बार पूछा गया कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर भी। तो मैं आपको यहां पर क्लियर बताना चाहूंगा, जो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए अभी असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2021 है। लेकिन अगर आपका असाइनमेंट बना नहीं है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है, लास्ट डेट जो है और एक्सटेंड किया जाएगा। अभी आपका असाइनमेंट नहीं बना है तो आप आराम से बना सकते हैं, आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए काफी समय दिया जाएगा। जो लास्ट डेट है इसको एक बार और एक्सटेंड किया जाएगा, एक बार नहीं बल्कि इसको अभी कई बार एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी आप आराम से असाइनमेंट बना लीजिए, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब असाइनमेंट के स्टेटस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी आपका बहुत सारा सवाल आया है, जिसमें कि आपका ये सवाल आया है कि हमारा कुछ सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट का स्टेटस है वो अपडेट हो गया है और कुछ का अपडेट नहीं हुआ है, और हमारा जो है असाइनमेंट हमने अप्रैल में ही जमा कर दिया था, मई में ही जमा कर दिया था, पर अभी तक जो है स्टेटस नॉट फाउंड बता रहा है। तो देखिए इग्नू में जो असाइनमेंट चेकिंग का प्रोसेस है इसमें काफी ज्यादा समय लगता है, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देख लें ना, आपको काफी कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। बाकी जो असाइनमेंट चेकिंग का प्रोसेस है इसमें काफी ज्यादा समय लगता है, आपके असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जो आपके असाइनमेंट का स्टेटस है वो अपडेट कर दिया जाएगा। अभी आपको कहीं पर ईमेल वगैरह भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इंतजार कीजिए, आपके असाइनमेंट का जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। और ये भाई का कहना है कि दिल्ली वन रीजनल सेंटर की तरफ से जो असाइनमेंट सबमिशन का स्टेटस है वो अपडेट नहीं किया गया, नॉट फाउंड बता रहा है, तो इसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बनाऊं। तो वीडियो बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इंतजार कीजिए, असाइनमेंट का जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। जब ईमेल वगैरह करने की नौबत आएगी तो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और अब बात करते हैं कि आपका और क्या क्या क्वेश्चन आया है और इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो जो भी नए स्टूडेंट है इनका भी बहुत ज्यादा मैसेज आया कि हमारा एडमिशन कन्फर्म हो गया है, अब हमें आगे क्या करना होगा, एग्जाम कब होगा, असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा, बुक कब मिलेगा, और अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करना होगा, यानी कि इस तरह के आपके बहुत सारे सवाल है। तो देखिए जिनका भी जुलाई 2021 में एडमिशन हुआ है उनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्लेलिस्ट को चेक करना होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो में आप अच्छे से समझ पाएंगे, अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊंगा शायद आपको समझ में ना आए। तो इसका लिंक जो है नीचे दिया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी आया था और बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि उनके उधर से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया है, तो मैंने उनके पास ये प्लेलिस्ट भेजा, उनको समय लगा पर उन्होंने पूरा वीडियो देखा और अब उनको इग्नू के बारे में बहुत कुछ पता है कि उनको कब क्या करना पड़ेगा, उन्होंने इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देखा है। तो लिंक नीचे दिया गया है, आप इसको चेक कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इनका कहना है कि सर मेरे आईडी कार्ड में फादर नेम इशू है, कैसे ठीक होगा वो। तो देखिए अगर आपके आईडी कार्ड में फादर नेम का इशू यानी कि फादर नेम गलत अपडेट कर दिया गया है तो ये सही करवाने के लिए आपको रीजनल सेंटर पर जाना होगा, रीजनल सेंटर से ये सही हो जाएगा, या फिर आप इग्नू को ईमेल भी कर सकते हैं, अगर ईमेल से रिप्लाई नहीं आता है तो आपको रीजनल सेंटर ही जाना पड़ेगा। और इनका कहना है कि हाउ कैन आई कैंसिल माय एडमिशन, तो देखिए अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो इसके लिए आपको रीजनल सेंटर पर जाना होगा, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, आपको एडमिशन कैंसिल करने के लिए एडमिशन पोर्टल पर भी ऑप्शन दिया गया है, पर वहां पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है एडमिशन कैंसिल का वो कभी काम करता है और कभी नहीं करता है, तो आप रीजनल सेंटर पर जाइए, वहां से जो आपका एडमिशन हो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको एडमिशन पोर्टल पर बताया गया है कि फीस आपका किस तरीके से रिफंड किया जाएगा, मैं आपको बता भी देता हूं। तो आप एडमिशन पोर्टल पर आएंगे तो यहां पर नीचे आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो आपका फीस है वो रिफंड किया जाएगा, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही में आपका एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है कि जो जनवरी 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो कब एक्टिवेट किया जाएगा, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के एंड तक स्टार्ट कर दिया जाएगा, पर आपको पता होगा कि जो एडमिशन का लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जो अब आपके जनवरी 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन का फॉरम है वो अगले महीने आएगा यानी कि नवंबर में स्टार्ट किया जाएगा, जैसा भी होगा आपको इग्नू की तरफ से बताया जाएगा। और साथ ही में आपका ये कहना है कि हाउ टू फाइंड आउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये
क्वेश्चन जो है बहुत बार ही आया है कि जो अभी CBCS वाला प्रोग्राम है इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का वो इग्नू के वेबसाइट पर तो कहीं पर भी अपडेट नहीं किया गया, पर जितना भी क्वेश्चन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको आना होगा और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट कोड है वो आप यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे, अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं BHIC, अगर ये होगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ BHIC 132 या फिर 131, तो यहाँ पर देखिए 131 अवेलेबल है, तो ये आपको मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन पेपर है वो यहीं पर अपडेट किया गया है, आपको यहाँ पर आना होगा और सर्च करना होगा, अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। और देखते हैं कि आपका और क्या क्वेश्चन है, जैसे कि इनका है एडमिशन कन्फर्म होने में कितना समय लगता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है। अगर एडमिशन स्टेटस में फ्रेश एप्लीकेशन दिखा रहा है तो आप इंतजार कीजिए, आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। जो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा का प्रोग्राम है, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसका एडमिशन कन्फर्म होने में टाइम लगता है, पर आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके पास ईमेल सेंड किया जाएगा इग्नू के तरफ से। साथ ही में आपका ये भी सवाल है कि क्या स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा तो स्टूडेंट पोर्टल से आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं। और इनका जो सवाल है, इनका कहना है कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन ग्रेड कार्ड एरर और रिजल्ट कब तक आएगा और कितनी अपडेट्स आती है। तो देखिए, जो आपका ग्रेड कार्ड में अगर एरर दिखा रहा है इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आपका असाइनमेंट है और जो थ्योरी एग्जाम है उसका जो नंबर है वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं किया गया है। जब अपडेट कर दिया जाएगा तो आपका ग्रेड कार्ड ओपन हो जाएगा। और रिजल्ट की बात करें तो सभी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो एक बार में ही अपडेट नहीं किया जाता है, इसके कई अपडेट आते हैं। तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम का रिजल्ट पेंडिंग है तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, कई अपडेट आएंगे, बाकी जो आपका रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि सर मेरी एक बुक नहीं आई है, उसका असाइनमेंट कैसे करूं। तो देखिए, अगर आपको बुक नहीं मिला है और आपको असाइनमेंट बनाना है तो इग्नू के वेबसाइट से यानी कि ई ज्ञान कोर्स वेबसाइट से आप PDF फॉर्मेट के बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। रिजल्ट नहीं आया अभी तक सर, तो देखिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो एक बार में ही अपडेट नहीं किया जाता है, अभी कई अपडेट आएंगे, तो आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद इनका जो क्वेश्चन वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सर री रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। तो देखिए, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम फॉर्म का फीस होता है पर सब्जेक्ट का जो है 200 रुपए होता है, और जो री रजिस्ट्रेशन का फीस होता है एडमिशन के वक्त आपका जितना भी फीस लगा था उसमें से 200 रुपए माइनस कर दीजिए, जितना बचता है वही आपका री रजिस्ट्रेशन का फीस माना जाता है। बाकी अगर सब्जेक्ट वगैरह बढ़ता है तो जो आपका री रजिस्ट्रेशन का फीस है वो भी बढ़ जाएगा। तो बस इतना क्वेश्चन था जो मैंने Q&A वीडियो में पिक किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है जिसका आंसर आपको नहीं मिला है तो उसके लिए सॉरी, पर अगली बार मैं जरूर ट्राई करूंगा कि आपका भी जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में यानी कि Q&A वीडियो में पिक हो जाए। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं Q&A वीडियो में तो सैटरडे को मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाऊंगा, वहां पर आप बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।